जिन लोगों का खुद का स्ट्रांग फ्रेम नहीं होता ना, जैसे एम्पैथ्स हो गए, सेंसिटिव हो गए एंड पीपल प्लीजर्स हो गए, ये अपना फ्रेम ना दूसरों में ढूंढने लग जाते हैं और वहां से उन्हें ना स्ट्रेंथ मिलती है, प्रोटेक्शन मिलता है। इसलिए ना बहुत जरूरी होता है हमारे पास एक स्ट्रांग फ्रेम होना, ताकि हमें ये चीज़ दूसरों में ना ढूंढनी पड़े। क्योंकि नोइंगली अननोइंगली हम ऐसे लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं इस स्ट्रांग फ्रेम के चक्कर में, जो कि इमोशनली अनअवेलेबल हैं, जो कि नार्सिसिस्टिक हैं। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इन इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस, बिकॉज वी ह्यूमन बींग वी को क्रिएट, वी कोऑपरेट, वी को रेगुलेट विद ईच अदर। आपकी एक जन की हीलिंग इस ह्यूमैनिटी में रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकती है। सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। गाइज, आज बात करते हैं हाउ टू क्रिएट योर ओन फ्रेम, योर ओन स्ट्रांग फ्रेम। गाइज, शुरुआत क्या होती है, जब हम बहुत छोटे होते हैं ना, तो हमारी दो नीड्स होती है, एक होती है ऑथेंटिसिटी और एक होती है कनेक्शन, है ना। कनेक्शन हमें इसलिए चाहिए होता है हमारे पेरेंट्स से या सराउंडिंग से, ताकि वो हमें सपोर्ट कर सकें, क्योंकि हम खुद को सपोर्ट नहीं कर सकते, हम बेबी होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो हमें वो सेंस ऑफ सपोर्ट चाहिए होता है, वो प्रोवाइडिंग चाहिए होती है। तो हमें कनेक्शन भी चाहिए, अटैचमेंट्स भी चाहिए, है ना। जितना हम उन लोगों से अटैच रहेंगे, उतनी पॉसिबिलिटी है कि वो हमें प्रोवाइड करें। दूसरी नीड होती है ऑथेंटिसिटी की, जब हमें जरूरत है तब हम रोएं, चिल्लाएं, बोलें मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, तभी तो वो लोग करके देंगे ना। तो ऑथेंटिसिटी इज लाइक योर ओन गट फीलिंग, जो आप एक्सप्रेस करते हो। बट होता क्या है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, अगर हम अपनी ऑथेंटिसिटी को एक्सप्रेस करते हैं, तो देयर आर मैनी चांसेस कि वो लोग अच्छे से हमें रिस्पॉन्ड ना करें, क्योंकि हमारी ऑथेंटिसिटी से लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जब मैंने ये एक्सप्रेस किया, उन्होंने इस तरीके से रूड बिहेव किया, या फिर उन्होंने मुझे नेग्लेक्ट किया, मुझे अवॉइड किया, या फिर उन्होंने मुझे डांटा, या फिर छोड़ दिया, या फिर मेरी वजह से उन्हें बुरा लग गया। इस कारण से ना कि हम अपने अटैचमेंट्स ना खोएं, अपने अटैचमेंट्स से डिस्टेंस ना बनाएं, बिकॉज ये अटैचमेंट हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी ऑथेंटिसिटी को कहीं ना कहीं दबा देते हैं। तो हमारा ये जो ऑथेंटिक सेल्फ है ना, ये कहीं ना कहीं अंदर ही दबकर रह जाता है, क्योंकि हमें पता है अगर हम अपनी ऑथेंटिसिटी को एक्सप्रेस करेंगे, देर आर चांसेस कि हम अपने अटैचमेंट्स को लूज कर दें। बट अटैचमेंट्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बड़े होने के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए, कि हम वो नहीं कर पाते। लेकिन जो हम कर पाते हैं वो ये है कि हम अपनी ऑथेंटिसिटी को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस कर देते हैं, हम एक्सप्रेस करना ही भूल जाते हैं। तो एक तरीके से ना दो चीजें हैं, एक डायनेमिक्स है, जितना ज्यादा हमें अटैचमेंट चाहिए उतना कम हमें ऑथेंटिक होना होता है ना। इस चक्कर में जब हम अपना ऑथेंटिक सेल्फ लूज करते जाते हैं ना, तो एक टाइम आता है हमें लोगों की जरूरत पड़ती है, तो वी स्टार्ट डूइंग थिंग्स लाइक प्लीजिंग देम, बीइंग नाइस विद देम, सो दैट कि वो हमें टाइम टू टाइम जो है ना वो अपना सपोर्ट प्रोवाइड करते रहें। ये हमारी नीड होती है ना। तो योर अनहेल्दी रिस्पॉन्स, योर इनऑथेंटिसिटी, है ना, योर इनऑथेंटिसिटी इज अ हेल्दी रिस्पॉन्स टू अनहेल्दी इन्वायरमेंट। आई वॉन्ट टू रिपीट दिस थिंग, योर इनऑथेंटिसिटी इज अ हेल्दी रिस्पॉन्स टू अनहेल्दी इन्वायरमेंट। ठीक है, आपने इनऑथेंटिक होकर एक अपना सेफ एनवायरनमेंट चूज किया है, रीजन बीइंग क्योंकि चीज़ें बड़ी अनहेल्दी थी, हो सकता है वो आपको फेवर नहीं करते जो कि आपको उस टाइम की ज़रूरत थी, तो आपने इनऑथेंटिक होना चूज किया एंड इट्स ओके। तो इनऑथेंटिसिटी वॉज लूजिंग योर सेल्फ, लूजिंग योर ओन फ्रेम, लूजिंग योर कॉन्फिडेंस, लूजिंग योर ओन एनर्जी। ठीक है, इनऑथेंटिसिटी वॉज लूजिंग योर सेल्फ एंड ऑथेंटिसिटी इज रिकनेक्शन विद योर सेल्फ। तो पहला पॉइंट, अगर हमें अपना स्ट्रॉन्ग फ्रेम बनाना है, करना स्टार्ट करना है, तो वी हैव टू स्टार्ट बींग ऑथेंटिक। ऑथेंटिक रहना स्टार्ट कीजिए, जो आपके मन में आता है उसको एक्सप्रेस करना शुरू कीजिए। हाँ, स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है लोगों को एक बार के लिए वो ट्रिगर करे, बुरा लगे, बट उनको इस चीज़ की आदत हो जाएगी। वी कैन ट्रेन पीपल, है ना, जब हम वो करते हैं जो हम करना चाहते हैं, पीपल विल रीअरेंज देमसेल्व्स। टाइम के साथ हर चीज़, हर इंसान मोल्ड करने का केपेबल होता है, अपने आप को एडजस्ट करने का केपेबल होता है, बिकॉज वी आर फ्लेक्सिबल पीपल, है ना। तो ऑथेंटिक बनना स्टार्ट कीजिए। ऑथेंटिसिटी में पहली चीज़ आप ये कीजिए, स्टार्ट सेइंग नो। बहुत सारी चीज़ों में ना नो कहना शुरू कीजिए। जितना आप नो कहते जाएंगे ना, आपको पता चलता जाएगा और लोगों को पता चलता जाएगा कि इसे क्या नहीं पसंद है और वो क्या नहीं करें टू बी विद यू। सो
ना का यूज ज्यादा करें कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, नहीं अभी नहीं हो सकता, मैं बाद में सोच के बताऊंगी। ये चीज आपको छोटे छोटे से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी ताकि एक टाइम आए और आपको फुल्ली ये पता हो कि आप किस चीज को कर पाएंगे और किस चीज को नहीं कर पाएंगे। तो नो जो होगी ना आपकी एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री क्रिएट करेगी, लोगों को पहले से ही पता होगा कि ये वाला काम तो ये नहीं करेगी, तो पहले से ही लोग फिल्टर आउट हो जाएंगे। जो लोग आपकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं और उन्हें ये पता चलेगा कि ये नहीं करेगी, पहले से ही फिल्टर आउट करेंगे। इट्स लाइक अ बाउंड्री, है ना, आप अपना एक फ्रेम बना लेंगे, अपना एक फिल्टर बना लेंगे, तो चीजें आपकी ऑथेंटिसिटी से ना फिल्टर होती जाएगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको उस चीज के लिए पसंद नहीं करेंगे और वो आपको छोड़ देंगे, एंड इट्स ओके, ठीक है। नंबर सेकंड थिंग इज वैल्यू सिस्टम। आपको अपना वैल्यू सिस्टम एक्सप्लोर करना है, दोबारा से फाइंड आउट करना है। वैल्यू कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम बाहर से लाएं और चिपका लें अपने ऊपर, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वैल्यू आपके अंदर हमेशा होती है, यू जस्ट हैव टू इंट्रोस्पेक्ट एंड एक्सप्लोर योर वैल्यूज। अगर आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखेंगे, अपने पास्ट बिहेवियर को देखेंगे, अपने बिहेवियर को नोटिस करना स्टार्ट करेंगे, आपको अपने वैल्यूज जरूर मिलेगी। आप गूगल कीजिए, देयर आर सो मेनी वैल्यूज, और उन वैल्यूज को ना अपने अंदर चेक कीजिए कि आपके अंदर कौन सी वैल्यू है, आपको इनमें से क्या करना ज्यादा पसंद है। मेरी तीन वैल्यूज हैं, तीन वैल्यू एटलीस्ट आपके पास होने ही चाहिए। आई विल से कि तीन से ज्यादा भी ना रखें, थ्री वैल्यूज आर इनफ। मेरी तीन वैल्यू में से पहली वैल्यू है फ्लेक्सिबिलिटी। मुझे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत पसंद है। अगर आपने मेरा लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है, फ्लेक्सिबिलिटी इज हीलिंग, तो मैं चाहती हूँ कि आप वो वीडियो जरूर देखें। मैं चाहती हूँ अपनी लाइफ में कि मैं फ्लेक्सिबल हूँ, क्योंकि चीजें हमेशा चलती रहेगी। मैं हमेशा एक ही जैसी और स्ट्रांग प्रिटेंड अगर करूंगी तो साइकोलॉजिकली इमोशनली मैं टूट जाऊंगी, बिकॉज लाइफ इज एवर चेंजिंग, है ना। लाइफ में एक ही चीज तो परमानेंट है, वो है चेंज। तो लाइफ इज एवर चेंजिंग, मुझे टाइम के साथ अपने माइंड को मोल्ड करना ही पड़ेगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज द की। फ्लेक्सिबिलिटी चाहे किसी भी लेवल हो, काम के लेवल पर हो, इमोशनल लेवल पे हो, साइकोलॉजिकल लेवल पे हो, वैल्यू सिस्टम के लेवल पर हो, हर लेवल पर वी नीड फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि जो चीजें फ्लेक्सिबल नहीं होती वो टूट जाती हैं। सेकेंड चीज जो एज मेरी वैल्यू है वो है क्यूरियोसिटी। आई एम ऑलवेज क्यूरियस अबाउट लाइफ, आई एम ऑलवेज क्यूरियस अबाउट पीपल, आई एम ऑलवेज क्यूरियस अबाउट न्यू थिंग्स, है ना। क्यूरियोसिटी जो है मेरे अंदर एक स्पार्क जगाती है। मुझे नई चीजें करना, सोचना, समझना बहुत ज्यादा पसंद है। तो थर्ड वैल्यू जो मेरी है वो है कंसिस्टेंसी। आई एम अ कंसिस्टेंट पर्सन। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी देखेंगे, हर बार मेरा जो वीडियो है ना फोर्थ डे पर आता है, बहुत रेयर केस में फिफ्थ डे पर आता है, जब कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाते हैं तब, नहीं तो मैं बहुत कंसिस्टेंट हूँ। मैं अपने काम को लेकर बहुत कंसिस्टेंट हूँ। आई वॉन्ट अ स्ट्रक्चर अराउंड मी सो दैट कि मैं कंसिस्टेंटली फ्लो करती रहूँ। अब ये वैल्यू सिस्टम आपके कैसे काम आएगी, है ना, काम में आना जरूरी है चीजों का, नहीं तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो वैल्यू सिस्टम अ सॉर्ट ऑफ ना फिल्टर है, ठीक है। कोई भी सिचुएशन आएगी ना तो चीजें आपको अपने वैल्यू सिस्टम के थ्रू फिल्टर होकर मिलेगी। और नो मैटर व्हाट, आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, आपको अगर सोल्यूशन मिलेगा तो अपने वैल्यू सिस्टम के ही अकॉर्डिंग सोल्यूशन मिलेगा। चाहे कितना ही प्रॉब्लम हो जाए, ये वैल्यू सिस्टम होंगे आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, हमेशा बचाएंगे। लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स, ठीक है। जैसे मेरी ये तीन वैल्यूज है ना, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया, क्यूरियोसिटी हो गया। सपोज मैंने डिसाइड किया था कि कल ना मुझे YouTube का वीडियो बनाना है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, मौसम खराब हो गया या लाइट चली गई, मैं नहीं बना पाई, तो मुझे बुरा लगेगा, लेकिन विद इन फ्यू मिनट्स ना मुझे याद आ जाएगा, आई शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल ना, चीजें तो होती रहेगी, है ना। मैं अपने आप को, अपने वर्थ को इस चीज पर डिफाइन नहीं कर सकती, आई शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल, क्योंकि ये एवर चेंजिंग चीजें हैं, जो कुछ ना कुछ होता ही रहेगा इसमें, कुछ भी चीज कांस्टेंट नहीं है इस लाइफ में। मैं खुद को क्रिटिसाइज नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी जो वैल्यू है वो फ्लेक्सिबल है कि इट्स ओके, 19-20 का डिफरेंस होता है, कभी कभार नहीं होता है, इट्स ओके, ठीक है। तो सेल्फ क्रिटिसिज्म खत्म हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी मेरा लूज नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपने माइंड में ये बैठा रखा है कि कभी कभी नहीं होगा तो इट्स ओके, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। वहीं पर अगर मैंने ये सोच रखा होता लाइक अ परफेक्शनिस्ट, मुझे तो करना ही है और मुझे परफेक्ट ही करना है, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता कि अरे यार मैं कैसे नहीं कर पाई, ये तो करना चाहिए था, ये तो होना चाहिए था। और हम उन चीज़ों पर ध्यान देने लग जाते हैं जो चीजें हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। तो अगर मैं फ्लेक्सिबल हूं तो मैं खुद को क्रिटिसाइज नहीं करूंगी, मेरा कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। सेकंड चीज कि ऐसा नहीं है कि मैं फ्लेक्सिबल हूं तो नेक्स्ट डे भी मैं यही सोचूंगी कि
कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे करेंगे. नहीं, नेक्स्ट डे तक बात आए उससे पहले मेरा दूसरा वैल्यू सिस्टम वर्क कर जाएगा. दैट इज कंसिस्टेंटली, आई हैव टू बी कंसिस्टेंट. चीज़ें जैसे ही ठीक होती हैं, अगर मैं रिसोर्सफुल हूँ तो आई विल डू इट बिकॉज आई एम कंसिस्टेंट. ठीक है, तो अगर आपने कुछ सोचा हुआ है, कोई चीज़ सोची हुई है और वो नहीं होती है, तो ये आपकी वैल्यू सिस्टम है ना, ये आपको गाइड करेंगी. ये आपका वो इंटरनल गाइडिंग सिस्टम होता है ना, जैसे शिप में एक कंपास लगा होता है, आप डायरेक्शंस बताते हैं, है ना, वैसे ही आपका इनर कंपास है, ये आपको गाइड करेगा आपकी लाइफ में. एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज मैंने ना किसी को काम दिया था और मैंने उनको कहा था कि यार 2 दिन में मुझे ये काम चाहिए, ठीक है, बट वो बंदा 3रे दिन आया और मैं अगर सोच रही हूँ कि यार मतलब ये काम नहीं लेकर आया, ये डिले करके लेकर आया, लेकिन अगर मेरे वैल्यू सिस्टम है फ्लेक्सिबिलिटी, तो मैं कहूँगी कोई बात नहीं, चलो अभी बैठ के करूँ और आज इसको फिनिश करूँ. नहीं हुआ तो पहले का नहीं हुआ, जाने दो उस बात को. ठीक है, सेकेंड चीज़ होगी कि आई नीड कंसिस्टेंसी, तो मैं उनको बोलूँगी अभी करो, आई नीड दिस नाउ. नहीं हुआ पहले, कोई बात नहीं. अगर मेरी वैल्यू सिस्टम है क्यूरियोसिटी, है ना, तो मैं क्यूरियस रहूंगी कि इसके साथ ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से इसने किया नहीं, मतलब इसके माइंड में चल क्या रहा है, इसकी लाइफ में चल क्या रहा है. मैं उससे पूछने की कोशिश करूंगी, उसको जानने की कोशिश करूंगी, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी चीज हो तो आई एम ऑलरेडी अवेयर कि इसकी लाइफ में कुछ इशू चल रहा है. यार आई हैव टू बी लिटिल बिट मोर फ्लेक्सिबल टूवर्ड्स हिम, क्योंकि ये नहीं कर पाएगा या कुछ रीजन होगा इसकी लाइफ में. या फिर मैं प्री प्रिपेयर्ड रहूंगी, मैं पहले से उसकी तैयारी करके रखूंगी, जो वो एंड टाइम पे मुझे मना करे उससे पहले मैं तैयार रहूंगी, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं क्यूरियस थी इसलिए मैंने उसको जाना, है ना. इस तरीके से ना आपके खुद के वैल्यू सिस्टम ना आपको हमेशा गाइड करते रहेंगे, नो मैटर व्हाट. आप कोई भी प्रॉब्लम में हो, आपके वैल्यू सिस्टम आपको हमेशा एक सही रास्ता दिखाएंगे. ठीक है, वैल्यू सिस्टम के अलावा होता है नॉन निगोशियेबल्स. आपकी लाइफ में नॉन निगोशियेबल्स होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं. नॉन निगोशियेबल्स क्या होते हैं, जिनको हम नेगोशिएट नहीं कर सकते, कि नो मैटर व्हाट, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, इन चीजों को मैं नेगोशिएट नहीं कर सकती. नॉन निगोशियेबल में मेरा पहला नॉन निगोशियेबल है डिसरिस्पेक्ट, और दूसरा नॉन निगोशियेबल है चीटिंग. डिसरिस्पेक्ट में अगर कोई भी डिसरिस्पेक्ट करता है, चाहे मेरे सिबलिंग्स क्यों ना हो, चाहे मेरे पेरेंट्स क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, अगर वो चीज मुझे बुरी लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज अ सॉर्ट ऑफ डिसरिस्पेक्ट टू मी, या तो मैं उसी टोन में उनसे बात करूंगी जिस तरीके से उन्होंने मेरी डिसरिस्पेक्ट की है, और आई विल शो देम कि हाउ इट फील्स. चाहे आप कोई भी हो, चाहे मतलब मेरे पेरेंट्स ही क्यों ना हो, मतलब कोई भी कितना ही बड़ा इंसान क्यों ना हो, अगर वो डिसरिस्पेक्ट करता है तो मैं उनको शो करूंगी कि ये गलत है. ठीक है, आई विल हैव सम वर्ड्स विद देम. सेकेंडली, अगर वो नहीं मानते हैं कि उन्हें ये चीज़ मेरे साथ नहीं करनी है नेक्स्ट टाइम, तो आई विल लीव देम. सिंपल एंड स्वीट फॉर्मूला है कि आप पहले से ही डिसाइड करके रखें कि आप किन चीज़ों को अपने लाइफ में अलाउ करेंगे, किन चीज़ों को आप अपने लाइफ में अलाउ नहीं करेंगे. ये चीज़ें एक फिल्टर के जैसे आपके लाइफ में वर्क करेगा. आपका माइंड पहले से आपको गाइड करता रहेगा कि दिस इज योर नेगोशियेबल, दिस इज योर नॉन नेगोशियेबल. आप अपने लाइफ में ना उन्हीं लोगों को अलाउ करेंगे जो उस पैमाने पर खरे उतरते हैं, है ना. तो हर चीज़ का ना एक कॉन्सिक्वेंस होता है. अगर मैंने आपको कहा है कि बाउंड्री सेटिंग करना स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट सेइंग नो, नॉन निगोशिएबल रखना शुरू कीजिए, है ना, हर चीज का एक कॉन्सिक्वेंस जरूर आएगा. मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, मैम वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रही है, मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ या ऐसा करना चाहता हूँ, तो मैं उनको बोलती हूँ कि करो, लेकिन केयरफुली वॉच करो कि उसके बाद जो हो रहा है, वो जो बेयर कर रहा है या बेयर कर रही है, क्या तुम उसके लिए रेडी हो, उसके जो कॉन्सिक्वेंस है उसको बेयर करने के लिए तुम रेडी हो. अगर तुम रेडी हो तो तुम उस चीज को करो. तो वैसे ही अगर आप नॉन निगोशियेबल बनाएंगे ना अपने, तो देयर विल बी सम कॉन्सिक्वेंसेस. क्या आप उन कॉन्सिक्वेंसेस को बेयर करने के लिए तैयार हो, तब तो आप बनाओ. तो इसके लिए बहुत डीप इंट्रोस्पेक्शन की आपको जरूरत है. दूसरा मेरा नॉन निगोशियेबल है चीटिंग. आप मुझसे किसी भी एंगल में चीट नहीं कर सकते. अगर आप चीट करने की कोशिश करेंगे काम में या मतलब किसी भी चीज में, तो मुझे पता चल जाएगा, बिकॉज मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है. आई केयरफुली ऑब्जर्व पीपल, तो मुझे साइकोलॉजी से बहुत चीज़ें पता लग जाती है. अगर आप चीट करने की कोशिश करोगे तो आई विल लीव यू. सिंपल फॉर्मूला, मैं आपको जब प्रोवाइड करती हूँ, मैं उसके बदले में जब आपको पैसे देती हूँ या फिर मैं आपको कोई हेल्प करती हूँ, तो मैं उसमें चीट नहीं करती. तो आई डू नॉट एक्सपेक्ट दैट ऑल्सो. तो ये जो आपकी बाउंड्री सेट होती है ना, ये जो आपका फ्रेम बनता है, ये इन्हीं चीज़ों से बनता है. एक तो नो कहना स्टार्ट करने से
ऑथेंटिक रहने से, दूसरा वैल्यू सिस्टम से, तीसरा नॉन निगोशिएबल में, ये सारी चीजें ना मिलकर एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाती है फॉर योर ऑथेंटिक सेल्फ। आपके रियल सेल्फ के लिए ना ये सारी चीजें फिल्टर का काम करती है कि उन्हीं लोगों को अलाउ किया जाए आपके लाइफ में जो इन चीजों के पे, इन स्टैंडर्ड्स पे ना खरे उतरते हैं, और बाकी लोगों पर हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कीमती है। हम क्यों ना वो चीजें करें जो हम हमारी लाइफ में करना चाहते हैं, रैदर उन लोगों पर ध्यान दें या उन लोगों को ठीक करने की हम कोशिश करें हु आर अनअवेयर, जो अभी होना ही नहीं चाहते, वो अभी उस स्टेज पर ही नहीं है कि वो खुद को चेंज करें। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। तब तक के लिए बाय।